हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सब लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आज का मेरा मॉर्निंग काम शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं साफ़ सफ़ाई करने लग गई हूँ। और ये तो रूटीन का काम है, रोज़ का काम है मॉर्निंग का। तो चाहे व्लॉग बनाओ या मत बनाओ, लेकिन मॉर्निंग का काम तो रोज़ का करना ही पड़ता है, साफ़ सफ़ाई, झाड़ू पोछा जो भी है। और लंच, तो आज मैं आपके साथ लंच शेयर करूँगी। और ये सफ़ाई हो रही है, देख ही रहे हैं आप। तो आज का जो व्लॉग है वो उसमें मुझे हैंकी टक करके और लंच प्रिपेयर करना है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और आप लोग को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपने देखा हो ही गया था। और उसके बाद मेरी पूजा हो गई है। अब ये हैंकी टक करके मैं यहाँ पर मैंने ये हैंकी टक कर लिया है। लंच बनाऊंगी और यहाँ पर मैं हैंकी को आज करती हूँ इस तरह से। काव्या काव्या का पढ़ाई कर रही है वो, तो चलिए मैं मेरा काम करती हूँ फटाफट, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर लंच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा काम। और मुझे बनाना है आज अरवी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और किचन में अंधेरा हो रहा है तो मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। ये उजाला उजाला हो गया है किचन में, देखिए। तो यहाँ पर दूध रखा था बाहर, तो उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है, तो दूध क्या थोड़ा ऐसा लगता है जिससे कहीं फट तो नहीं जाएगा। और यहाँ पर अरबी जो फ्रिज में रखी है, दो दिन से रखी है अरबी, तो मैं सोच रही थी कि अरबी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आज निकला है मुहूर्त सब्ज़ी बनाने का। वो अपन सोचते रहते हैं ना काम, और फिर जब कर लेते हैं उसको, तो समझ लीजिए उसी समय मुहूर्त निकला उसका। तो आज मुहूर्त निकला है अरबी की सब्ज़ी बनाने का। और दूध लिया था तो दूध भी रखा है, तो दूध भी बॉईल कर लेती। तो दूध तो ऐसे ही लेट हो जाता है बॉईल करने में, क्योंकि सुबह 8:30 बजे आता था, लेकिन वो 10-10:30-11 बजे तक ही बॉईल होता है। और यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ गर्म होने के लिए दूध को। और ये हैंकी टक करके ही मेरा मॉर्निंग लंच टाइम चल रहा है। और ये अरबी को मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। तो आपने कभी बनाई है क्या ऐसी सब्ज़ी, तो मुझे बताइएगा अगर बनाई हो तो। तो यहाँ पर अरबी को उबालते समय मतलब इसमें सीटी ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि कोई कोई अरबी ऐसी आ जाती है थोड़ी बटरी बटरी सी रहती है, मतलब पकी अरबी आ जाती है ना, तो उसको पकने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और इसमें लेंगे हम अच्छे से 4-5 सीटी। तो 4-5 सीटी में ये अच्छे से बॉयल हो जाएगी और इसे उबलने देते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने रख दिया इसे उबलने के लिए। और यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, तो चाय से पूरी खाएंगे बच्चे, तो बस वही नाश्ता दूंगी इन लोगों को। तो यहाँ पर चाय बन गई है और मैंने उसे उतार दिया है और आटा सान लिया है। आटा सान के मैंने रख दिया है कढ़ाई ये इसके ऊपर, और उसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल गरम हो गया है और पूरी फ्राई कर रही हूँ। तो गर्मा गर्म चाय के साथ पूरी तो बहुत टेस्टी लगती है। मेरे यहाँ तो चाय, पूरी, पोहा ये बहुत पसंद किया जाता है। तो देखिए एक तरफ मैंने चाय फिर से चढ़ा दी है और गर्म होने के लिए, क्योंकि पूरी तैयार हो रही है। तो गर्म गर्म चाय और गर्म गर्म पूरी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप लोग भी करते हो क्या बताइएगा ज़रूर। और
मतलब अभी हैवी नाश्ता कर लेंगे ना ये पूरी का चाय से, तो फिर लंच में मैं हल्का ही खाएंगे, इसलिए मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि पहले ही इन लोगों ने बोल दिया था कि चाय से पूरी लेंगे, हम लोग आज पोहे का मना कर दिया था, तो ये बस पूरी बन जाएगी, उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो बस वही है, पहले पेट पूजा करेंगे। तो यहाँ काव्या नहा के आ गई, यहाँ जल्दी नहा लिए, और ये रो रही है, वो बोल रही है कि मुझे ना मतलब पिन चाहिए, उसको पता नहीं जाने क्या क्या करती रहती है वो ड्रेस में, तो उसको पिन चाहिए। तो मैंने कहा मैं पिन विन नहीं दूंगी, लग जाएगी। तो यहाँ पर ये चाय मतलब छान देती हूँ, पूड़ी भी बन गई है, तो ये देखिए मैं उसको मतलब बटन लगाया उसका, मैंने कहा आप जाके तैयार हो जाओ फटाफट, जीजी ले गई नाश्ता, तो नाश्ता कर ले। तो यहाँ पर मैंने अरबी को मतलब कुकर का ढक्कन खोल दिया था और 4-5 सीटी आ गई थी, तो देखिए अरबी बहुत अच्छे से पक गई है और अच्छी सॉफ्ट हो गई है मतलब, और जो कड़क है ना उसको हटा दीजिएगा आप, वो चाहो तो आप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैंने हटा दी है। और यहाँ पर छिलका उतार लेती हूँ इस तरह से, और छिलका उतारने के बाद इसको इस तरह से हथेली से दबा के और फिर इसको हम फ्राई करेंगे, तो वो एक कटलेट का शेप जैसा बन जाता है, देखिए इस तरह से, और बहुत ही अच्छी फ्राई होती है। आप चाहो ना तो इसको ऐसे भी खा सकते हो, फिर ऊपर ऊपर से जैसे कड़क था ना तो मैंने निकाल दिया, देखिए इस तरह से। तो ये मैंने सभी छील लिए हैं और इस तरह छील के कटलेट का शेप करके रख लिया है। तो आप इसको ना इस तरह से गोल्डन लाइट गोल्डन दोनों साइड से फ्राई करके एकदम क्रिस्पी फ्राई होते हैं, तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, सिर्फ नमक मिर्ची या फिर गर्म मतलब चाट मसाला डाल के भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। और सब्ज़ी की तो बात ही बहुत अलग रहती है, बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो इसकी अरबी की और दूसरी सब्ज़ियाँ भी बनती है, जैसे खट्टी वाली अरबी या फिर बिना अच्छी ग्रेवी वाली सब्ज़ी, बहुत तरह की सब्ज़ियाँ बनती हैं और मैंने अपने चैनल पर डाल भी रखी हैं वो रेसिपीज़, लेकिन यहाँ पर उनमें से सबसे बेस्ट इन बच्चों को यही लगती है, ये वाली जो सब्ज़ी है ना यही अच्छी लगती है अरबी की। तो बस ये देखो अरबी फ्राई हो गई है, अब मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो तेल गर्म है ना, तो उसी तेल में मैं मसाला डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और मैंने रेड चिल्ली पाउडर लेट डाला, क्योंकि अगर पहले से रेड चिल्ली पाउडर डाल देती ना तो धस उड़ती एकदम से, क्योंकि तेल गरम था। और ये मसाले डाल के मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। बस फिर 1-2 मिनट इसको भूनना है इस तरह से चलाते हुए लगातार, और उसके बाद फिर हम गैस को ऑफ़ कर दूंगी मैं। ज़्यादा नहीं भुनना है क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा मतलब कुछ नहीं डाला है, सिर्फ मसाले ही मसाले है, हल्दी मिर्ची धनिया गरम मसाला ही है। तो यहाँ पर मैं नमक डाल देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि हमने अरबी में उबालते समय भी नमक नहीं डाला था। तो अगर आप चाहो तो अरबी में बॉईल करते समय नमक डालो तो अंदर तक चला जाएगा नमक, लेकिन मैंने नहीं डाला था, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने गैस ऑफ़ कर दिया है, और ऑफ़ करने के बाद सारी अरबी डाल दी है मैंने फ्राई करी हुई, तो ये मतलब बहुत ही टेस्टी लगती, बहुत ही मतलब ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और एकदम मसाले वाली बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो बच्चों को मेरे यहाँ बहुत पसंद है ये सब्ज़ी, देखिए बन गई है, और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि हम इसको फ्राई कर लेते हैं बॉईल कर लेते हैं तो ये वैसे ही पक जाती है। तो बस इसको मैंने मसाले में करा है अच्छे से, और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, फटाफट बनने वाली सब्ज़ी है, तो बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, आप लोग को अगर ये रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और कैसी लगी है ये रेसिपी। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, और खाना वाना बन चुका है, लंच में मैंने बनाई थी आपने देखा है अरबी की सब्ज़ी, जिसको मैंने उबाल कर और फिर फ्राई करके मसाले में बनाई थी, और बहुत ही टेस्टी लगती है, मतलब बहुत ही डिफरेंट सब्ज़ी है वो, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा उसको, और ये हैंकी टक करके मेरा जो मॉर्निंग रूटीन था वो मैंने शेयर कर दिया आप लोग के साथ में, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।